जमाखोरों के खिलाफ आज दिल्ली में बड़ा अभियान चला। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दिल्ली खाद्य आपूर्ति विभाग और दिल्ली पुलिस की 52 टीमों ने पूरे 549 ठिकानों पर छापेमारी की है। आज की छापेमारी में 12,000 क्विंटल दाल और चावल की जमाखोरी पकड़ी गई है और 104 जमाखोरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दिल्ली खाद्य आपूर्ति विभाग और दिल्ली पुलिस की 52 टीमों ने पूरे 549 ठिकानों पर छापेमारी की। आज की छापेमारी में 12,000 क्विंटल दाल और चावल की जमाखोरी पकड़ी गई और 104 जमाखोरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें उसी रेड की है जो कि दिल्ली पुलिस ने खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ आज रेड मारी। तब किस तरीके से तकरीबन 550 ठिकानों पर, मतलब 549 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 52 टीमें थी और इसमें क्या क्या मिला जरा आप देखें और सोचें कि 12,000 क्विंटल दाल और चावल की जमाखोरी पकड़ी गई। आइए देखते हैं कि पुलिस का इस पर क्या कहना है। हमने इनका बही खाता सब कुछ चेक किया है और चेक करने पर पाया है जितना इनका स्टॉक है लगभग इन्होंने सब देख दिया है और कुछ इनका माल बिका हुआ है। ऑलरेडी यहाँ कोई भी कहीं भी कोई जमाखोरी नहीं पाई गई है। हम प्रॉपर चेक करते हैं, पीछे भी हमने चेक किया था, डेली कभी भी हम चेक कर लेते हैं।